हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रीत में। दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए हरियाणा की इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके हाजिर हूँ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। हरियाणा पीजीटी भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं जुड़ेंगे। पीजीटी पदों की भर्ती में अनुभव के अंक देने पर चल रहा है विचार। वापिस लिए पदों की रिक्त संख्या 11 फरवरी तक आयोग को भेजनी होगी। जो सीटी पास करेंगे उन्हें उम्र में छूट मिलेगी। दोस्तों, इसमें लिखा है कि जो सीटी पास कर देंगे उन्हें उम्र में छूट दी जाएगी। आईटीआई के पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होना जारी हुआ। नेक्स्ट न्यूज क्या है, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली 21 दिन की पेरोल। अनुयायियों में खुशी की लहर, पेरोल को लेकर विशेष एडवाइजर भी जारी। पुलिस की निगरानी में रहेंगे राम रहीम। पंजाब व यूपी में चुनावों को देखते हुए पेरोल की चर्चा। डेरा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की पेरोल दिए जाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा है कि पंजाब व यूपी के चुनावों को देखते हुए राम रहीम को पेरोल दी गई है। पंजाब में ज़्यादातर सीटों पर सीधे सीधे डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव बताया जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या कहा कि पेरोल पर जाना आम कैदी का अधिकार। मनोहर लाल। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 10 फरवरी से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुलेंगे, प्रपोजल तैयार। निदेशालय ने स्कूल खोलने के संबंध में सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकारी आदेशों के विपरीत जाकर स्कूल खोल दिए। हाइट पूरी करने के लिए 20 उम्मीदवारों ने अपनाए गलत हथकंडे, 4 लड़कियां भी शामिल। किसी ने लगाई विग तो किसी ने तलवे के नीचे मिट्टी लगाकर दिखानी चाहिए बढ़ी हुई हाइट। आयोग ने गहन छानबीन के बाद 20 उम्मीदवारों को चेतावनी देकर छोड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।